अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। भाई सॉरी, देखिए आपको लेट विश कर रहे हैं क्योंकि हमने व्लॉग ही लेट डाला है। आपको तो पता ही है कितना काम होता है, तो व्लॉग अपलोड करने में बहुत लेट हो गया। और ये देखिए बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये चांद रात वाले दिन का है, तो बच्चे यहाँ पे DIY कर रहे हैं, कैसे क्या बना रहे हैं। अभी फाइनल लुक आप इसका देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बच्चों ने इसे बनाया था, और जब आप देखेंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो सबके घर काम तो शुरू ही हो गया होगा, एक हफ्ते पहले से ही हम आपको दिखा रहे थे कि घर में काम काज शुरू हो गया था, साफ़ सफाई शुरू हो गई थी, घर की सेटिंग वगैरह जो चेंज करनी थी वो भी हो रही थी। बस आज चांद तो होना ही होना था क्योंकि इस बार तो 30 का चांद हुआ है। हाँ, पाकिस्तान वगैरह में 29 का ही हो गया था, पर हमारे यहाँ तो 30 का हुआ था। तो हमें तो पता ही था कि कल ईद होनी है, तो बस सुबह से ही सारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। तो जो भी कुछ हुआ हमने कहा अब आपके साथ शेयर कर दें। लेट तो खैर हो ही गया है, पर आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए। और देखिए इधर हमारे माली भैया भी आ गए थे, गमले भी हमें पेंट करवाने थे, तो माली भैया जो थे वो गमले भी पेंट कर रहे हैं। और धूप तो आप देख रहे होंगे भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। रमज़ान शुरू हुआ था ना, तो लग रहा था कि कुछ अच्छा रहेगा मौसम, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, लेकिन भाई ऑल ऑफ सडन गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ गई है। अब तो इतनी धूप तेज़ हो गई है, साथ में ऐसा लगता है लू भी चलने लगी। लगता है क्या, लू चल ही रही है। और हमने भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो यहाँ पे हमने सिवई जो है उसका शीरा जो बनता है, चाशनी, शीरा क्या कहेंगे हम, तो रबड़ी दूध के साथ बनाते हैं ना, तो वो बनने के लिए रख दी थी कि वो भी साथ में काम होता रहे। तो ये काम खैर हमने 2 दिन पहले ही शुरू कर दिया था, तो ये था कि 2 हिस्से में दूध हम उसमें डाल देंगे। एक दिन पहले हमने बनाया तो आधा दूध एक दिन पहले डाला, और जब वो अच्छे से बॉयल हो गया तो दूसरे दिन फिर हमने दूध उसमें और ऐड कर दिया था। तो इस तरह ये काम तो जानते हैं आप, ये प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग होता है, लेकिन जो है इस तरह से कर दिया था ताकि हमारा काम जो है धीरे धीरे इत्मीनान के साथ हो जाए, वरना भाई लास्ट मोमेंट पे बहुत काम बढ़ जाता है, ख़ास तौर से सिवई का काम तो बहुत बढ़ जाता है। तो शीरा पक रहा था और माली भैया जो है वो अपना काम भी कर रहे थे, और जानते हैं तबीयत भी कुछ ठीक भी नहीं थी, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक हिम्मत ताकत तो दे ही देता है ये सब काम करने में। तो भाई देखिए शीरा यहाँ पे हमारा पक गया था, फिर इधर मैरिनेशन का काम था। देखिए इससे आपको हम पूरी रेसिपीज़ तो नहीं दे रहे हैं, तो चिकन को मैरिनेट बड़े पीस थे उसको करके रख दिया था। यहाँ पर बोनलेस था, तो बोनलेस के साथ हमें कांडी चिकन बनाना था, तो हमने कहा इसको भी मैरिनेट करके रख देते हैं। ये सारे काम हो जाते हैं ना तो फिर इजी हो जाता है, सहूलियत हो जाती। हमें इस बार मुरादाबादी पुलाव बनाना था, तो यखनी बिरयानी जो बनती है ना चिकन वाली, अब की हम चिकन वाली बना रहे थे, उसे भी मैरिनेट करके रख दिया। गोश्त आ गया था, हस्बैंड ले आए थे तो गोश्त का भी काम हो गया। और ये देखिए शाम को रोज़ा खोलने के बाद हम लोग टेरिस पे आ गए थे। हम तो खैर नहीं गए थे, हमने तो नीचे से ही देख लिया था, भाई 30 का चांद था तो नज़र आ गया था, और बच्चे यहाँ पे चांद देख रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह चांद नज़र आ गया है। फिर थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर प्रिपरेशन बची हुई थी वो स्टार्ट हो गई थी। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कट हो गए थे, बस इनको फ्राई करना था, तो ये भी काम जो था ये भी हो गया था। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है गरी को ग्रेट करना, तो ये काम हस्बैंड ने करवा दिया था। तो सब लोग लग जाते हैं, सबके घर में ये होता है कि भाई सब लोग जब साथ में मिलके करते हैं ना तो वर्कलोड नहीं होता। तो ये सब चीज़ें हमने पहले ही कर ली थी, पिस्ता बादाम वगैरह सब पहले काट लिया था, तो बस आपके साथ शेयर इसलिए कर दे रहे हैं कि आप भी देखिए किस तरह से ये सब जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है धीरे धीरे जो पार्ट में डिवाइड करके करें ना तो वो इजीली हो जाता है। इसके बाद इधर प्याज वगैरह हमारी रेडी थी, तो हमने कहा इधर गोश्त भी चढ़ा देते हैं ताकि आधा पका रहेगा और आधा सुबह पक जाएगा, तो ये काम भी हो जाए। तो भगोने में बना रहे थे, देखिए सारे खड़े गरम मसाले जिसमें दारचीनी भी है, जावित्री भी है, स्टार एनीस भी है, सब हमने डाल दिया था। और इसके साथ इसमें डाला था खूब सारी प्याज ग्रेट करके, बारीक इसको ग्रेट किया था, उसको डाल दिया था, और हल्का सा कलर उसका चेंज हुआ, और उसके साथ ही हमने गोश्त डाल दिया था। इस बार देखिए बहुत ही मज़े का हमने लखनवी स्टाइल में खड़े मसाले वाला गोश्त बनाया था। इधर हस्बैंड आ गए थे और वो सिवई भून रहे थे, तो सिवई भूनने का जो काम है ना वो हस्बैंड ही करते हैं, क्योंकि
इसको सिंगल वाला जो हमारे पास चूल्हा है ना उस पे होता है ये काम, तो भाई देखिए बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये हमसे नहीं होता है। और फिर ये जो है ये काम हस्बैंड कर देते हैं तो फटाफट हो जाता है। अगर हमारे आप रेगुलर व्यूअर हैं, आप हमारा व्लॉग देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये काम हस्बैंड भी करते हैं, और हम लोग की आदत हो गई, हम लोग एक दूसरे के बिना काम कर नहीं पाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके ही करते हैं। अच्छा देखिए, इधर गोश्त जो था वो भुन रहा था हमारा, अच्छे से ये भुन गया है, प्याज जो है इसमें अच्छे से घुल गई है, मतलब एकदम मिक्स हो गई है। अब इसमें मसाला डालने की बारी है, तो बस इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, एक समझ लीजिए 2-3 छोटा चम्मच भर के डालेंगे। थोड़ा सा इसमें जाएगा हल्दी पाउडर कलर के लिए, उसके बाद इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। और देखिए लाल मिर्च थोड़ा सा कम ही डालिएगा, क्योंकि अभी इसमें हरी मिर्च भी डालेंगे। आप चाहिए तो इसमें कश्मीरी मिर्च अच्छे से कलर के लिए डाल दीजिए, हमने भी डाला था, उसको डाल देंगे। और अच्छे से फिर से एक बार भुनाई इसकी होगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से भून देंगे। अब इसमें हमने हरी मिर्च डाली थी और बाद में इसमें हमने दही ऐड कर दी है। तो ये हमारा 2 किलो गोश्त था, तो इस पर हमने आधा किलो दही जो है अच्छे से बीट करके डाली है। देखिए दही खट्टी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो दही डालने के बाद फिर से इसको थोड़ा सा भुनाई करेंगे, तो गोश्त जो है ड्राई हो गया था, भुनाई दही डाल के फिर से देखिए सॉफ्ट हो गया है गोश्त। अब इसको पकाने की बारी, यानी टेंडर करने की। तो जब भी गोश्त को टेंडर करना है, पकाना है, इस तरह खुले वेसल में जब हम पकाते तो इसमें गर्म पानी डालेंगे। अब इसमें गर्म पानी डाल करके पानी अच्छे से डाल देंगे, जब हमारा जिसमें अच्छे से गोश्त जो है वो गल जाए, कवर करके रख देंगे तो वो दम पे पकता रहेगा। इधर हमारा शिरा जो है सॉरी रबड़ी जो है सिवई वाली रेडी हो गई थी। इसको देखिए हमने सिंग अपना जो किचन में जो हमारा गैस स्टोव पे उस पर ही काम कर लिया था। उसके बाद अब सिवई डालने की बारी थी, तो इसमें थोड़ा सा हम पहले गरी साथ में डाल देते हैं, अब सिवई इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 kg सिवई जो है उसको भुना था, 1.5 kg सिवई हम बना रहे थे, वैसे तो हमने 2 kg सिवई जो है वो भून के रख ली थी। और पता सबसे मज़े की बात बताएं, अगर आप इसको तो सारी जो है जो वीडियो जब एडिट की जाती है तो अपने हिसाब से डाल दिया जाता है, अगर हम आपको ओरिजिनल वीडियो दिखाएं ना तब आपको मज़ा आ जाता देख करके, पर हमने सारा कट कर दिया। हस्बैंड जो थे वो तेज़ फ्लेम पर बैठ गए थे सिवई को भूनने के लिए, और हम लोग बातें भी कर रहे थे, हम किचन में थे और वो साइड में गैलरी में थे, और पता सारी सिवई जो थी इन्होंने इतनी तेज़ फ्लेम कर रखी थी, सिवई जो थी वो नीचे लग गई। और जैसे ही उसमें से स्मेल आई, तब हम गोश्त बना रहे थे इधर बाकी काम कर रहे थे, और फिर हमने चिल्लाना शुरू कर दिया। हमेशा मना करते हैं स्लो फ्लेम करके कोई भी काम करिए, पर मानना ही नहीं है। खैर मेरे पास सिवई थी, वो सारी सिवई हटाई हमने, उसके बाद दोबारा फिर से हमने घी डाल के दूसरी सिवई इनसे भुनवाई। अब ये काम तो देखिए अल्लाह का शुक्र है हो गया, सिवई हमारी रेडी हो गई थी, कबाब हमने बना लिया था, और साथ में हमें गोली कबाब बनाना था वो भी हमने बना लिया है। तो अब ईद डे का हम आपको क्लिप दिखा दे रहे हैं। आप देखिए बच्चों ने जो DIY किया था, वॉल हैंगिंग बनाया था, वो रेडी हो गया, और माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, आप आइए, हमारे इनवाइटेड हैं सब लोग, सिवई खाइए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? तो भाई आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, आखिर वो दिन आ ही गया 1 महीने के बाद जिसका हम लोग को इंतजार था। तो कुछ लोगों ने कुछ जगह जो है वो कल ईद मना ली गई है, लेकिन मेरे पूरे इंडिया में आज ईद मनाई जा रही है। तो जिनके यहाँ कल हो गई उन लोगों ने सिवई खाई ली होगी, और जिनके यहाँ आज हो रही है उनके यहाँ आज बन रही होगी। तो आप सब इनवाइटेड हैं, मोस्ट वेलकम, आप लोग आइए हमारे यहाँ सिवई खाइए और इंजॉय करिए। आप सबको हम
सबकी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो आप सोच रहे होंगे कि हम आपको इनवाइट कर रहे, व्लॉग तो इतना लेट डाल रहे हैं, तो कैसे आप कहेंगे इतनी लेट हम इनवाइट कर रहे हैं। नहीं भाई, ईद तो अभी हफ्तों चलती रहेगी, तो आप अगर हमारे यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप सब इनवाइटेड है, आप लोग ज़रूर आइए। अभी हमारे पास बहुत सारी सिवई रखी हुई है, तो ये देखिए सिवई जो थी उसको उठा करके फिर हमने अंदर ला करके रख दिया था, क्योंकि ये रात में ही हमने बना ली थी ना, तो यहाँ पर रूम में एसी चलता है तो यहाँ पर बाहर रख दिया, अंदर रख दिया था सॉरी। और बच्चों के होने से कितना फ़ायदा होता है, बच्चे कितना हेल्प कर देते हैं। फिर उसके बाद हस्बैंड नमाज के लिए चले गए और फिर यहाँ पे हमने जो हमें बनाना था मुरादाबादी पुलाव, उसके लिए चिकन को हमने रेडी कर लिया था। और ये देखिए हमारा मुरादाबादी पुलाव भी माशाल्लाह रेडी हो गया है। वैसे तो हम हमेशा यखनी पुलाव बनाते हैं, लेकिन इस बार चेंज कर दिया था मेन्यू अपना। और गोश्त देखिए ये भी यहाँ पे रेडी हो गया था, सुबह हमने इसको फिर से उठ के पकने के लिए रख दिया था जब उठे हैं, और ये भी रेडी हो गया है। यहाँ पे शीर खुरमा भी बना दिया था, बोला ना इस बार हमने रेसिपी आपको कोई नहीं दी है, बस गोश्त की रेसिपी दे दी है। इंशाल्लाह आगे किसी व्लॉग में हम आपको रेसिपी ज़रूर देंगे अगर आप कहेंगे तो। तो सब कुछ रेडी है, बच्चे भी अब रेडी हो रहे हैं, उसके बाद बच्चे जो हैं जाएंगे अपने बड़े डैडी के यहाँ, दोनों बड़े डैडी के यहाँ मिल कर के आएंगे। हमारे दो जेठ हैं ना, तो दोनों जगह जाएंगे और आसपास जो भी घर है सब जगह ईद मिल के आएंगे। भाई ईद की तो खुशी कुछ और होती है। अच्छा हमारे यहाँ तो हम लोग कुछ ही लोग हैं, दो चार छः ही घर हैं, तो बस यहीं जाना आना जाना होता है। और भाई जो घर की लेडीज़ होती हैं उनको कहाँ निकलना होता है, वो बेचारी कहाँ निकल पाती हैं, ईद के दिन तो सवाल ही नहीं उठता कि वो कहीं आए जाए। भाई लोगों का इतना आना जाना होता है, तो सबको एंटरटेन करना, देखना, और फिर सबसे बड़ी चीज़ बर्तन धोना, सारा दिन खिलाओ और बर्तन धुलो, इसके अलावा कोई काम नहीं होता है। और भाई जब ईद आती है ना, तो हमें भाई बचपन, सबको ही अपना बचपन याद आता है। अरे मेरा भैया, तो भाई हम लोग तो मोहल्ले में रहा करते थे, तो मत पूछिए लोगों का आना जाना, पहले एक बार छोटे बच्चे, फिर बड़े, फिर उससे छोटे, हर तरह के, हर साइज के, भाई सबको खुशी होती थी ईद में सबके घर जाना है। सिवई खाने की खुशी नहीं होती थी, ईद ही मिलनी है उसकी खुशी होती थी। तो सबके घर, किसी का घर नहीं छोड़ा जाता था, बच्चों की पूरी फौज होती थी। अस्सलाम वालेकुम आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो फाइनली बच्चों का आउटफिट हमने आपको दिखा दिया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा था, दोनों का ड्रेस बहुत ही अच्छा था, सबको बहुत अच्छा लगा। अब देखिए ये लोग बड़े डैडी के घर अपने जा रहे हैं ईद मिलने के लिए, और हम तो अभी घर पे ही हैं, क्योंकि घर पे भी अगर कोई आ गया तो उसको अटेंड करना, और सबसे बड़ी चीज़ फ़ोन को अटेंड करना, क्योंकि कॉल भी लोगों को करनी है और सबको विश करना है, और जिसका फ़ोन आ रहा है उसे भी रिसीव करना है। तो भाई ईद की खुशी कुछ अलग ही होती है। क्या हो गया? डैडी एक और अरे अरे डैडी तो माशाल्लाह हमारे छोटे से शाबान से भी आप लोगों ने ईद मिल ही लिया है। हम लोग वापस आ गए हैं और बहुत ज़्यादा धूप थी, इसलिए कहीं और जाने का मन नहीं किया। अब आते हैं, अब घर में कुछ खाते हैं। तो शाबान को हम बता रहे थे ना, आप लोग उससे मिल लिए हैं, लेकिन भाई दोपहर से उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको डिहाइड्रेशन हो गया था, तो उसको एडमिट करना पड़ गया। तो बस उसके लिए आप लोग सब लोग दुआ करिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। फिर यहाँ पे देख लीजिए गेस्ट का आना जाना शुरू गया था, विनय भैया की फैमिली यहाँ पे आ गई थी। लोग लोग ईद मुबारक। तो भाई इस बार नवरात्र चल रहा है ना, तो बहुत सोच समझ के देना पड़ा चीज़ें, क्योंकि भाई जो नॉन मुस्लिम हैं वो नॉन वेज खाएंगे नहीं, तो सिवई खाकर, फ्रूट्स वगैरह खाकर इस तरह से लोग चले गए थे। और फिर ये देखिए यहाँ पर हमारे अपने जो लोग हैं वो लोग आ गए थे, तो इनके साथ तो कोई मसला था ही नहीं, तो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह रेडी थी। फिर हमने सारी चीज़ें लगा दी हैं, बच्चियाँ सब यहाँ पर आई हुई हैं मिलने के लिए। तो भाई देखिए किसी का फेस हम आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, भाई अपनी प्राइवेसी होती है, तो ये चीज़ आप समझा करिए।
तो बहुत कोशिश किया कि सब कुछ आपके साथ शेयर कर दें, तो छोटी छोटी जितनी भी क्लिप्स बनाई हैं आपके साथ हमने शेयर कर दी है। तो अभी 8:30 हो रहे हैं और यहाँ पर सब कुछ फैला हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं। अभी जस्ट गए हैं गेस्ट और हम लोग अब निकल रहे हैं मामू के यहाँ, क्योंकि मानी कॉल कर रही है, परेशान हो रही है कि कहाँ हम लोग रह गए। तो आइए आप लोग को भी दिखाते हैं क्या क्या फैला हुआ, ऐसे पूरा घर ही फैला हुआ है। तो आपने तो आलिया ने सब बता दिया आपको कि देखिए घर में बखेड़ा देखिए, फैलावा देखिए, सारा दिन यही होता रहा और लास्ट मोमेंट पे यही हाल था। तो अभी 8:30 हो रहे हैं ना, तो अभी पहुंचते पहुंचते भी कम से कम 30 मिनट्स लग ही जाएगा, तो इसीलिए पापा कह रहे हैं कि जो जैसे पड़ा है वैसे पड़े रहने दो, बाद में आगे सब पूरा क्लीन अप करना। तो भाई हम जा रहे थे अपने मायके, फर्स्ट डे जो है हम अपने घर ज़रूर जाते हैं शाम को, तो वहाँ के लिए हम लोग निकल गए हैं। तो वहाँ का ब्लॉग जो है आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।